बीजेपी के मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रेखा जी, आज मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का चुनाव है, हालांकि बीजेपी संख्या बल के हिसाब से काफ़ी पीछे है, ऐसे में आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, किसी दल की कितनी संख्या बल है उसका विषय नहीं है। विषय ये है कि दिल्ली में 250 निगम पार्षदों ने अपना मेयर चुनना है और हर पार्षद की अपनी एक प्रायोरिटी रहती है कि मेरे क्षेत्र के काम प्रायोरिटी पे हों, मेरे क्षेत्र में तुरंत अच्छे विकास कार्य शुरू हो जाएं, और उसके लिए एक अनुभवी मेयर का होना दिल्ली नगर निगम में इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्यकाल भी बहुत छोटा है, 3 महीने का कार्यकाल है, और इसमें ऐसा ना हो कि कोई नया व्यक्ति बन करके आए और उसको समझने में इतना समय निकल जाए कि कार्यकाल ही खत्म हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, यानी कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताती दिख रही है, और आप कह रही हैं कि संख्या बल तो बहुत महत्वपूर्ण है मैम, वोट जिस तरीके से पड़ेंगे उसी से ये तय होगा। देख, हम सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, तो निश्चित रूप में जो जनता ने वोट दिया उस प्रकार से हम चुने गए हैं, परंतु जब सदन में हम यहाँ आ गए हैं, सदन में पार्षदों ने वोट देकर के मेयर को जिताना है, तो पार्षद उसे वोट देगा जिसको वो समझता है कि मेरिट पे ये व्यक्ति सही है। यानी क्या गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता है यहाँ पे, आप बड़ी बात कह रही हैं। जितने निगम पार्षद हैं, निर्णय उन्हें लेना है, वोट उन्हें देना है, और वो निश्चित रूप में दिल्ली की भलाई के लिए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए वोट करेंगे, और जो भी उनका निर्णय होगा मुझे शर्माते हैं, हम तो अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को कुछ विरोध भी था, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक लेटर लिखा कि पीठासीन अधिकारी जो है वो उनका होना चाहिए था, चूँकि सबसे जो वरिष्ठ हैं मुकेश गोयल पार्षद वो बनने चाहिए थे, ऐसे में जो LG ने 10 पार्षद बीजेपी के बनाए उस पर भी कहीं ना कहीं एतराज़ था। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को विरोध की राजनीति का एक अलग प्रकार का चस्का है, अदरवाइज पिछले कार्यकाल में 30 एल्डरमैन बने थे, 30 एल्डरमैन, और अगर वो नियम अनुसार 30 एल्डरमैन बने थे, आज नियम अनुसार 10 एल्डरमैन बने हैं जो कि LG के अधिकार क्षेत्र में है। पीठासीन अधिकारी बनाना LG के अधिकार क्षेत्र में है, इसमें मैं और आप कोई नहीं होते कि हम कहें कि जी इसको बनाना है कि उसको बनाना है। हमने यदि अपनी रिक्विजिशन दी भी है तो अधिकार क्षेत्र जिस अधिकारी का होगा वो करेगा, तो इसमें ऐसा कोई विरोध या ऐसी कोई बात कहने का, केवल विरोध जताने के लिए कोई जताना चाहे या सुर्खियाँ पाने के लिए करना चाहे तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली की, तो बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने न्यूज 24 पर बड़ी बात कही है, उनका साफ कहना है कि संभावनाओं से जो है वो गुरेज नहीं रखा जा सकता है, और चाहे संख्या बल आम आदमी पार्टी के हक में है, लेकिन चूंकि इस पूरे चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, यानी कि कोई भी पार्षद अपने मन के मुताबिक किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है और वो गुप्त रखा जाता है, तो ऐसे में देखना होगा कि अब मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 10 मेंबर्स किस पार्टी के चुने जाते हैं। कैमरामैन उमेश के साथ व्याघ्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।